नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बजर। आज के वीडियो में हम एसके झा के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन विज्ञान क्लास 9 और 10 के बुक का हम रिव्यू करेंगे। और यहां से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता था कि साइंस 25 नंबर के हैं। और इस बुक की जो खासियत है ना, ये विशेषता यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, चित्र संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, विज्ञान की महत्वपूर्ण सारणी देखने को मिलेगा, मतलब टेबल आपको देखने को मिलने वाला है, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलने वाला है अलग से। ठीक है, तो ये बुक दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में अब एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों फिक्स है, 130 रुपीज है। ठीक है, और इस बुक में जो नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, नंबर ऑफ पेज आपको 200 पेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 200 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। बुक का दोस्तों एमआरपी बहुत ज़्यादा कम है, 130 रुपये काफ़ी कम है इस बुक का एमआरपी, क्योंकि इस बुक का जो प्रिंटिंग क्वालिटी है और पेपर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पहला पेज है दोस्तों, पहले पेज में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्लास 9 और 10 के क्वेश्चन को शामिल किया गया इन्होंने, और 130 रुपये एमआरपी है। चलिए कंटेंट को देखते हैं, किसी भी बुक में उसका कंटेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट फिगर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्लास 9 के सभी टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, टिशू, उसके बाद जीवों में विविधता, मोशन, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, साउंड, वाई डू वी फॉल, नेचुरल रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, सिंपल क्वेश्चन 1, सिंपल क्वेश्चन 2, मतलब ये 2 पेपर है यहाँ पे। उसके बाद क्लास 10 का आपको देखने को मिलेगा, क्लास 10 में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसके बाद एसिड बेस और सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीवन जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैविक विकास, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन, उसके बाद मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, उसके बाद इंपॉर्टेंट टेबल जिसमें फिजिकल इंपॉर्टेंट टेबल, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टेबल, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टेबल और केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले फिगर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिगर वाले केवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि ग्रुप डी में पूछे जा रहे थे, जो कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ केवल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अगर फिजिक्स वाले भी कुछ क्वेश्चन शामिल कर देते तो ये बुक कंप्लीट हो जाता, बट यहाँ पे फिजिक्स वाले क्वेश्चन को शामिल नहीं किया गया है, केवल बायो वाले क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यहाँ पे कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ, कहीं भी आपको आंसर अभी देखने को नहीं मिलेंगे, आपको आंसर आपको लास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सबके बारे में बता दिया गया है, यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप सब याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ दोस्तों देखिएगा पहला अध्याय शुरू होता है, पहला अध्याय में जो क्वेश्चन है उसको ही इस बुक में शामिल किया गया है, केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये बुक आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ऑप्शन भी आपको बाइलिंगुअल दिया गया है, केवल क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। एनसीईआरटी को आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, बाद में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, आंसर की के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन, आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन अच्छा देखने को मिल जाएगा। प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा है, इसलिए इस बुक को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। बुक का जो सॉल्यूशन है वो एसके झा के द्वारा तैयार किया गया, तो सॉल्यूशन अच्छा होगा, क्योंकि एसके झा जो है वो साइंस के एक अच्छे टीचर माने जाते हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, पॉइंट में सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, सभी में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन ऑप्शन और जो सॉल्यूशन है वो दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में, आंसर की के बाद। पहले आंसर की आप क्वेश्चन बना लीजिए, अपने मार्क्स को पता कर लीजिए कि आपको कितना आता है, उसके बाद आप अपने आंसर को देख सकते हैं। तो इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं क्लास और 9 और 10 के एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं सॉल्यूशन के साथ। बुक दोस्तों अच्छा है, बुक में कोई कमी नहीं है, अंतिम में आपको रिविजन करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी बुक एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो इस बुक को आप चाहे तो ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से सारे चैप्टर को कवर किया गया। ये दोस्तों साउंड हो गया, साउंड के भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को लिया गया है इस बुक में, ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल पेपर है, आपको पेपर वन पेपर टू आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ भी कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सारे टॉपिक को मिला के यहाँ क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन और सभी 16 क्वेश्चन का आपको आंसर है, डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे दोस्तों। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। ये क्लास 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नहीं केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, क्लास 10 यहाँ लिखा गया केमिस्ट्री का, ऊपर में क्लास लिखा गया है कि कौन से क्लास को अभी हम देख रहे हैं, क्लास 9 यहाँ तक था, अब क्लास 10 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अध्याय 1। तो इस तरह से आपको सारे क्लास को यहाँ कवर किया गया, क्लास 10 हो गया। अंतिम में जाके आपको देखने को मिलेगा, अंतिम में जाके इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के टेबल आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा जानकारी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी कुछ आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सभी के बारे में, महत्वपूर्ण यंत्र हो गए, उनका उपयोग हो गया, मतलब सारा कुछ जो आप जिन पे ध्यान नहीं जाता है उनको अलग से इन्होंने दे दिया है। मतलब एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ प्रमुख आविष्कारक हो गया, सारा कुछ कवर किया गया है, केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट टेबल हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार बुक है ये, ठीक है ना, बुक में कोई कमी नहीं है। बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टेबल है यहाँ पे, ठीक है, बायोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का भी टेबल आपको देखने को मिल जाएगा अंतिम में, ठीक है। नोट्स के लिए कुछ जगह दिया गया नीचे में। बुक दोस्तों अच्छा है, केवल 130 रुपये में एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाता है रिविज़न के लिए, और एनसीईआरटी पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं इनके इस बुक से। इनका एक और साइंस का बुक आता है जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो उसे भी चाहे तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।